और ये अभी एग्जाम देके निकले हैं बहुत ही, और संयोग से इन्होंने कैलेंडर हमसे कभी पढ़ा होगा, मतलब यूट्यूब पे देखा था इन्होंने, और ये पहचाने नहीं, थोड़े हम भी मोटे हो गए हैं, इनको भी याद नहीं रहा होगा। तो क्या नाम है आपका? आर्या अभिषेक। आर्या जी, के मतलब कैसा रहा एग्जाम आज? पेपर ओवरऑल ठीक ही था। इन्होंने जब हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट बताया तो थोड़ा सा हम भी भौचक्के रह गए, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि मतलब पीछे भी बातें हैं इनके साथ। तो सर इतना अटेम्प्ट कितना रहा? 92। तो ये फर्स्ट टाइम सीजीएल था आपका या कब पहले भी अटेम्प्ट? नहीं, पहले भी अटेम्प्ट था। तो मतलब आपके हिसाब से पेपर इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू हाई है, क्या है? नहीं, इजी टू मॉडरेट ही है पेपर। कुछ प्रीवियस ईयर देखने को मिल रहा है? नहीं, प्रीवियस ईयर नहीं, डीआई थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया है। हाँ, और क्वेश्चन मैथ्स में दे रहा है मतलब? नहीं, सेंट्रल एंगल का क्वेश्चन है और स्ट्रेट डीआई है। और करंट अफेयर बोल रहे हैं लोग, पीछे का 15-16-17 ऐसा उठा, 2019 का दो करंट अफेयर था मेरे वाले में। ओके, और रीजनिंग में कुछ नया देखने को मिला है? नहीं, रीजनिंग वगैरह में जैसे ओनली अ फ्यू वगैरह इस सब टाइप का है? नहीं, अभी बैंकिंग पैटर्न को जो एसएससी पैटर्न जो पूछ रहे हैं भाई, अब एक वो कर दिया है कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा, मतलब एक ही पैटर्न पे तीन क्वेश्चन सेट कर रहा है। तो मतलब आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो फिर आपको क्यों लगा कि एक बार इस बार भी अटेम्प्ट ले लें? नहीं, वैकेंसीज अच्छी थी और अपना मतलब रैंक ऊपर करना, रैंक को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, इसीलिए थोड़ा इंप्रूव करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, ऐसे स्टूडेंट जब मिलते हैं तो मन खुश हो जाता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू।